गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। विच वन एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 7.3। इन दिस एक्सरसाइज वी विल डू डिवीजन सम्स ऑफ टू डिजिट एंड थ्री डिजिट एंड वन कंसेप्ट मोर, चेक योर आंसर। क्लियर हाउ टू चेक द आंसर? यस बच्चे, फर्स्टली आई विल टेल यू हाउ यू विल चेक द आंसर। यस, दिस इज अ मेथड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाय कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज द फॉर्मूला टू चेक द आंसर। क्लियर? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3। यस, ए पार्ट यू विल सॉल्व ऑन द बुक एंड बी पार्ट यू विल डू ऑन द नोटबुक। क्लियर? ओके, ए पार्ट फर्स्ट सम हैज ऑलरेडी डन। क्लियर? नाउ आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज 87 डिवाइड बाय 2। क्लियर? 87 को 2 से डिवाइड करना है और हमने क्वोशिएंट लिखना है और रिमाइंडर लिखना है। क्लियर? नाउ सी हियर, फर्स्टली फर्स्ट डिजिट चेक करना है। फर्स्ट डिजिट है 8, 2 से बड़ा है ना, सो यस, पहले इसको भूल जाओ, हमने सिर्फ 8 से डिवाइड करना है। क्लियर? चलो, 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है? 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, 4 के टेबल पे आता है 8। ओके, इसका काम फिनिश। अदरवाइज व्हाट यू विल डू, यू कैन राइट हमने इसकी डिवीजन की है 4 से। ओके, 2 फोर ज़ा 8, इसको हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, 8 माइनस 8 0। नाउ अब किसकी टर्न है? 7 की, इसकी डिवीजन हो चुकी है। क्लियर? अब 7 की टर्न है। 2 के टेबल पे 7 कहाँ पे आता है? 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8। मैंने अभी आपको 7.2 एक्सरसाइज में क्या बताया था? 7 हमें कहाँ पे आना चाहिए था? 6 के बाद आना चाहिए था, यहाँ पे लाइन लगाओ। क्लियर? अब कौन से नंबर के नीचे लाइन है? 6 के नीचे, सो यू विल राइट हियर 6। जब आपने यहाँ पे 6 लिखा तभी आपको देखना है कि ये 6 कौन से नंबर पे है, 0, 1, 2, 3 थर्ड नंबर पे है। जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 3। यस, अब सबट्रैक्ट करोगे, 7 माइनस 6 इज 1। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज अ 43 एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, जो हमारे पास नीचे अमाउंट बचती है दैट इज अ 1। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 यू विल डू योर सेल्फ, आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। यस, इन क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट यू हैव टू डू, 484 को डिवाइड करना है 4 से। पहले हमें फर्स्ट डिजिट को बनना है, ठीक है? ओके, 4 के टेबल पे 4 कहाँ पे आता है? 4 वन ज़ा 4, इसको डिवाइड करना है तो जो आंसर आता है वो इसके ऊपर ही लिखेंगे, 4 वन ज़ा 4। ओके, इसकी सब्ट्रैक्शन करो, 0, इसकी डिवीजन हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट की टर्न है 8। क्लियर? अब 4 के टेबल पे 8 कहाँ पे आता है? 4 टू ज़ा 8, जब हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो क्या आया, 2, इसकी भी हो चुकी है। ओके, अब इस किसकी टर्न है, लास्ट वाले की, अब इसको उतारो नीचे। क्लियर? 4 वन ज़ा 4 वन ज़ा 4। व्हाट इज द क्वोशिएंट, क्वोशिएंट हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट मीन जो डिवीजन करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 121। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 यू विल डू योर सेल्फ, नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट यू हैव टू डिवाइड, इन क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें क्या डिवाइड करना है, 665 को डिवाइड करना है 6 के साथ। पहले किसकी टर्म है, इसकी, ठीक है? 6 के टर्म पे 6 कहाँ पे आता है, 1 पे, 6 वन ज़ा 6, इसकी डिवीजन हो चुकी है, 6 माइनस 6 0। डन,
अब किसकी टर्न है? नेक्स्ट वाले की. ओके, नेक्स्ट वाला क्या है? सिक्स. इसको ले आओ. अब इसकी टर्न है सिक्स वन. सिक्स के टेबल में सिक्स कहां पे आता है? वन पे. सिक्स वन जा सिक्स. इसकी भी डिवीजन हो चुकी है. जिसके साथ डिवाइड करोगे उसका आंसर उसके एग्जैक्ट ऊपर ही लिखोगे. क्लियर? इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर, इसका इसके ऊपर. ओके, नाउ किसकी टर्न है? फाइव. अब सिक्स के टेबल पे फाइव आता है. सिक्स का टेबल राइट करो. सिक्स जीरो जा जीरो, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व. ओके, फाइव कहां पे आना चाहिए था? जीरो के बाद सिक्स से पहले आना चाहिए था फाइव. यहाँ पे आना चाहिए था बट नहीं आ रहा. सो किस नंबर के नीचे लाइन है? जीरो के नीचे. सो यू विल राइट हियर जीरो. काउंट करो जीरो कौन से नंबर पे है. जीरो तो जीरो नंबर पे ही है. क्लियर? अब इसको सब्ट्रैक्ट करो. व्हाट इज अ क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 110. व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 5. क्लियर? ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन ए पार्ट. नाउ वी विल स्टार्ट बी पार्ट. इन बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलरेडी डन. नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. यस, इन दिस बी पार्ट व्हाट इज द मेथड वी विल अप्लाई? डिवाइड एंड चेक योर आंसर. इसमें हम डिवीजन भी करेंगे और अपना आंसर भी चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है या रॉन्ग है. ओके, बी पार्ट. यस बच्चे, बी पार्ट यू कैन सॉल्व ऑन द बुक एंड इफ यू वॉन्ट देन यू कैन डू ऑन द बुक ऑल्सो. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट. व्हाट इज द क्वेश्चन? 52 को डिवाइड करना है 5 से. क्लियर? 52 को डिवाइड करना है हमने 5 से. पहले फर्स्ट डिजिट को करना है. 5 के टेबल पे 5 कहां पे आता है? 1 पे. 5 वन जा 5. जब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 0. इसकी फिनिश होगी. इसका आंसर भी हमने लिख दिया और इसकी डिवीजन भी फिनिश. ओके, अब नेक्स्ट है टर्न 2 की. 5 के टेबल पे 2 आता है. 5 0 जा 0, 5 इज 5, 5 2 जा 10. 2 कहां पे आना चाहिए था? 0 के बाद पहले 2 होना चाहिए था बट 5 आ रहा है. यहां पे आना चाहिए था. मैंने बोला जिस नंबर को अंडरलाइन किया वो नंबर लिखना है. तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 0. कौन से नंबर पे है 0? 0 तो 0 नंबर पे ही है. जब यहाँ पे लिखते हो तभी वो लिखना होता है कि वो कौन से नंबर पे आया है. क्लियर? तो हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ गया? 2. व्हाट इज द आपके पास क्वेश्चन कितना है? 10. रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 2. नाउ वी विल चेक अवर आंसर कि ये हमारा आंसर करेक्ट है और इनकरेक्ट है. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर? ओके, यू कैन यूज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोशिएंट एंड रिमाइंडर. क्यों मींस कोशिएंट एंड आर मींस रिमाइंडर. अदरवाइज यू कैन राइट द फुल फॉर्म लाइक एस. दिस इज द कोशिएंट प्लस रिमाइंडर. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द डिवाइजर? डिवाइजर इसके साथ हमने डिवाइड करना होता है 5. व्हाट इज द कोशिएंट? दैट इज अ 10. व्हाट इज द रिमाइंडर? दैट इज 2. ओके, 5 मल्टीप्लाई 10 इज 50 प्लस 2 मीन्स 52. चेक दिस इज अ डिविडेंड और नॉट. 52 इज अ डिविडेंड ना. सो योर आंसर इज करेक्ट. क्लियर? दिस इज अ वेरिफिकेशन कि आपका आंसर अगर इसको सॉल्व करके आपके पास डिविडेंड ही आ जाता है देन मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 यू विल डू योर सेल्फ. नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. क्लियर? इन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट टू हैव टू डिवाइड? क्वेश्चन नंबर 5. यस, इन क्वेश्चन नंबर 5 98 डिवाइड 9. फर्स्टली क्या करोगे? 1 पहले वाले को. 9 वन सा 9. इसका फिनिश. अब इसकी टर्न है. 9 के टेबल पे 8 आता है? नो. फिर 9 जीरो सा 0. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज 10. व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 8.
Now you will apply the formula, which one? Dividend equal to divisor multiply quotient plus remainder. Clear? What is the dividend? Sorry, divisor. Divisor kya hai? 10. Sorry, divisor. What is the divisor? Divisor 9. Quotient 10. Remainder 8. Clear? 9 multiply 10. 90. 90 plus 8. 98. This is your dividend. So your answer is correct. Clear? Now, question number 3, 6 and 7 you will do yourself. I will solve question number 8. In question number 8, what you have to divide? In question number 8, 708 divided by 7. पहले हमने फर्स्ट नंबर को कर लिया है. क्लियर? 7 1 7, सब्ट्रैक्ट करो 0. नेक्स्ट वाले की टर्म, 7 की टेबल पे 0 कहाँ पे आता है? 0 पे. 7 0 0, 0 माइनस 0 0. नेक्स्ट की टर्म है 8, 7 की टेबल पे 8 आता है. 7 0 0 0, 7 1 7 7 2 14. बट 8 तो 7 के बाद आना चाहिए था, नहीं आ रहा. जिस नंबर को अंडरलाइन किया है वो नंबर लिखोगे. यू विल राइट हियर 7. क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्ट 8 माइनस 7 1. जो हमने 7 लिखा है कौन से नंबर पे? इसका आंसर तो हमने यहाँ पे लिखा नहीं अभी. 0 1. सो यू विल राइट हियर 1. क्लियर? अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है 101. व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर है आपके पास 1. क्लियर? नाउ वी विल चेक द आंसर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. व्हाट इज द डिवाइजर? डिवाइजर इज 7. व्हाट इज द क्वोशिएंट? 101. एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? 1. जब आप 7 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 707. उसमें बाद में 1 ऐड करोगे, 708. दिस इज अ डिविडेंड. सो योर आंसर इज करेक्ट. यस, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन पार्ट. नाउ वी विल स्टार्ट सी पार्ट. यस, इन सी पार्ट यू सॉरी सी पार्ट यू विल सॉल्व ऑन द नोटबुक. इन सी पार्ट, यस, what you will do in C part? Same. In C part you will do same. Okay. Divide. C part divide using long division and check your answer. Clear? Firstly, you will write the statement divide using long division and check your answer. Clear? Okay. First question. 246 divided by 2. Clear? Sure. Yes. 246 divided by 2. First हमने first number तो करना है. 2 को 2 से 2 के table पे 2 कहाँ पे आता है? 1 पे. 2 1s are 2. इसको subtract करोगे 0. इसके टर्म आ गई 4 की. 2 के टेबल में 4 कहां पे आता है? 2 2 4. इसको सब्ट्रैक्ट किया 0. नेक्स्ट किसकी टर्म आ गई? 6 की. 2 के टेबल में 6 कहां पे आता है? 3. 2 3 6 0. नाउ व्हाट इज द कोशिएंट? व्हाट इज द कोशिएंट? कोशिएंट इज 123. एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज 0. Now, remainder is 0. What is the quotient? Quotient is 123. What is the remainder? Remainder is 0. Now, we will check our answer. It is correct or incorrect. Okay. Firstly, you will write the formula. Dividend equal to divisor multiply quotient plus remainder. What is the divisor? Divisor means, jiske saath aap divide karte ho. 2
व्हाट इज अ क्वेश्चन जो आपके पास आंसर आता है, दैट इज द 123. व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज जीरो. क्लियर? ओके. जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 123 से, तो देखो क्या आ रहा है. 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. यू हैव 246. उसमें हम क्या करनी है, जीरो ऐड करनी है. 246 प्लस जीरो 246. चेक दिस इज अ डिविडेंड और नॉट. ये आपके पास डिविडेंड आया है या नहीं आया. डिविडेंड क्या है, 246. सेम, सो योर आंसर इज करेक्ट. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2 and 3 यू विल डू योर सेल्फ. आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, 387 डिवाइड 3. ओके, फर्स्टली हमें फर्स्ट नंबर को करना है. 3 के टेबल पे 3 कहां पे आता है, 1 पे. 3 वन जा 3, 3 माइनस 3 0. अब किसकी टर्न है, 8 की. 3 के टेबल पे 8 आता है. 3 0 जा 3 0, 3 वन जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. बट 6 के बाद 8 आना था, आया नहीं. तो यहाँ पे आप लाइन लगाओगे, किस नंबर के नीचे लाइन है, 6 के नीचे से, राइट हैंड से. मैंने बोला जब भी आप यहाँ पे लिखोगे इसका आंसर भी लिखोगे. यहाँ पे 6 कौन से नंबर पे है, 0 1 2. क्लियर? ओके, 8 माइनस 6 2. नाउ किसकी टर्न है, 7. 3 के टेबल पे 27 कहाँ पे आता है, 27 है हमारे पास. 3 9s are 27. 7 माइनस 7 0 2 माइनस 2 0. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 129. जो आपके पास आंसर आता है, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है हमारे पास, 0. व्हाट इज द रिमाइंडर, 0. सो यू विल राइट हियर 0. नाउ वी विल चेक आवर आंसर. व्हाट इज द डिवाइजर, फर्स्टली यू विल राइट द फॉर्मूला. डिवाइजर, डिवाइजर इज 3. 3. व्हाट इज द क्वोशिएंट, 129. व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0. नाउ मल्टीप्लाई 129 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या है. 3 9s are 27, 2 कैरी. 3 2s are 6, 6 plus 2 8. 3 1s are 3, 387. क्या आया हमारे पास, 387 प्लस 0. जब इसमें 0 ऐड करोगे क्या आएगा, 387. चेक इट इज अ डिविडेंड, 387 इज अ डिविडेंड. सो योर आंसर इज करेक्ट, सो योर आंसर इज करेक्ट. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आई हैव सॉल्व. क्वेश्चन नंबर 5 and 6 यू विल डू योर सेल्फ. नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्लियर? सॉरी, आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 पहले. पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूंगी, आफ्टर दैट यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. क्लियर? ओके, इन क्वेश्चन नंबर 6, यस, क्वेश्चन नंबर 6, 508 डिवाइड 5. ओके, फर्स्टली हमें फर्स्ट नंबर को करनी है. क्लियर? ओके, 5 के टेबल पे 5 कहां पे आता है, 1 पे. 5 1 5, 0. इसकी टर्न है, 5 के टेबल पे 0 कहां पे आता है, 0 पे. 5 0 0, अब इसकी टर्न है. क्लियर? 5 के टेबल पे 8 आता है. 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10. बट 8 तो 5 के बाद आना चाहिए था ना, इसके बीच में आना चाहिए था. 5 और 10 के बीच में नहीं आ रहा. जिस नंबर को हमें अंडरलाइन किया हुआ है वही नंबर हम लिखेंगे, और साथ के साथ इसका इसके ऊपर आंसर भी लिखेंगे, कौन से नंबर पे है. 0 1 0 1 1 नंबर लिखेंगे. सब्ट्रैक्ट करो, 8 माइनस 5 इज 3. 8 माइनस 5 इज 3. यस, लाइक एज 8 माइनस 5 इज 3. क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास. यस, 101. क्वेश्चन क्या है, 101. व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3. नाउ वी विल चेक द आंसर. डिवाइजर, व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज 5, मीन जिसके साथ हमने डिवाइड करते हैं. क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 101. रिमाइंडर, रिमाइंडर इज
थ्री। ओके, जब 5 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 505 प्लस 3, 505 में जब 3 ऐड करोगे 508। चेक इट आउट, दिस इज अ डिविडेंड, 508 इज अ डिविडेंड, सो योर आंसर इज करेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 and 8 यू विल डू योर सेल्फ। नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 660 डिवाइड 6। फर्स्टली वी विल डिवाइड 1, फर्स्ट नंबर 6 1 6। क्लियर? 6 - 6 इज 0। नेक्स्ट वाले की टर्न आ गई, 6 के टेबल में 6 कहां पे आता है 1 पे, 6 1 6। नेक्स्ट की टर्न आ गई, 0 किस पे आता है, 6 0 0। क्लियर? व्हाट इज द कोशिएंट, कोशिएंट इज 110। व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। नाउ वी विल चेक द आंसर। बिफोर चेकिंग द आंसर फर्स्टली वी विल राइट द फॉर्मूला। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज द डिवाइजर, नाउ व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं, दिस इज द 6। व्हाट इज द कोशिएंट, 110। व्हाट इज द रिमाइंडर, 0। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 6 × 110, जब 6 को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज द 660। जब इसमें 0 ऐड करोगे 660। सो चेक इट आउट, दिस इज द डिविडेंड 660। यस, दिस इज द डिविडेंड। अगर ये डिविडेंड आ जाता है देन योर आंसर इज करेक्ट, अदरवाइज यू आर रॉन्ग। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 आई हैव सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 10 यू विल डू योर सेल्फ। नाउ आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 709 को डिवाइड करना है 7 से। फर्स्टली वी विल डिवाइड 1 नंबर, फर्स्ट नंबर 7 1 7। सब्ट्रैक्ट किया 0, नेक्स्ट इसकी टर्न, 7 के टेबल पे 0 कहां पे आता है 0 पे, 7 0 0 0, 0 - 0 0। नाउ नेक्स्ट की टर्न है, 7 के टेबल पे 9 कहां पे आता है, चेक की अगर आपको ऐसे काउंट करके नहीं पता चल रहा यू कैन राइट अ टेबल ऑफ 7, बट 7 के बाद 9 आना चाहिए था, 14 आ गया, कहां पे आना चाहिए था 7 के बाद आना चाहिए था, मतलब इन दोनों के बीच आना चाहिए था, नहीं आ रहा, किस नंबर को अंडरलाइन किया है, लाइन किस नंबर के नीचे है 7 के नीचे, सो यू विल राइट हियर 7। जब यहां पे लिखोगे 7 कौन से नंबर पे, इसका आंसर भी तो यहां पे लिखना है 0 1, राइट हियर 1। क्लियर? ओके, 9 - 7 = 2। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन है 101, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 2। क्लियर? नाउ वी विल चेक द आंसर, वी आर करेक्ट और इनकरेक्ट। क्लियर? ओके, व्हाट इज द डिवाइजर, डिवाइजर इज 7, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर। व्हाट इज द कोशिएंट, पहले मल्टीप्लाई, जो जो साइन है वो साइन साथ के साथ लगाते जाओगे, डिवाइजर ले दिया मल्टीप्लाई, व्हाट इज द कोशिएंट 101। नाउ प्लस का साइन है, व्हाट इज द रिमाइंडर 2। ओके, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 7 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तब हमारे पास क्या आएगा 707, जब उसमें 2 ऐड करोगे तब हमारे पास आएगा 709। चेक इट आउट, दिस इज अ डिविडेंड 709, 709 इज अ डिविडेंड, सो योर आंसर इज करेक्ट, सो योर आंसर इज करेक्ट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.3। बच्चे इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी बाय द व्हाट्सएप ग्रुप, हाउ टू डिवाइड दी सम विद द लॉन्ग डिविजन मेथड एंड हाउ टू चेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।